क्या दोस्तों आप एक ऐसी मशीन के बारे में जानते हैं जो मिनटों में आपके खेतों में दवा का छिड़काव करती हो, या ऐसी मशीन देखी है जो कुछ ही घंटे में कई एकड़ की फसल को काट कर फटाफट निपटा सके? नहीं तो चलिए जानते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस खेती में प्रयोग की जाने वाली मशीनों को दिखाएंगे, जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। फसल बुवाई से लेकर कटाई तक, सिंचाई से लेकर सफाई तक, हर काम को बड़ी बड़ी मशीनों से किया जाता है, और जो आपका समय आपको और आपके मेहनत दोनों ही बचाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ हाईटेक मशीन जिन्हें सामान्य खेती के लिए नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर की जाने वाली खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर एक, BLG बर्ड 747। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर है। इसमें आर्मी के बड़े बड़े टैंक जैसी ताकत है। इसकी ऊंचाई 14 फीट, लंबाई 28 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। इस ट्रैक्टर के एक टायर की ऊंचाई 8 फीट, ट्रैक्टर की फ्यूल कैपेसिटी 1000 गैलन है। उसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। इसका इंजन 11 हॉर्स पावर का है और उसके पीछे 21 हॉट अटैचमेंट्स लगी हुई है। यह ट्रैक्टर केवल एक मिनट में एक हेक्टेयर जमीन को हल कर सकता है और इसके ट्रिपल लेयर टायर्स के काम को बहुत ही आसान कर देते हैं। नंबर दो, DJI MG1S। खेतों में उगने वाली फसल के लिए सिंचाई और कीटनाशक दोनों का ही छिड़काव बहुत जरूरी है। आपने भी अक्सर लोगों को अपने खेतों में अलग अलग तरीकों से यह छिड़काव करते हुए देखा होगा, लेकिन आज इस काम के लिए एक हाईटेक ड्रोन का आविष्कार कर लिया गया है। इस ड्रोन की सहायता से खेतों में पानी या किसी केमिकल का स्प्रे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ये खेत के कोने कोने तक आसानी से पहुंच सकता है और पूरे खेत में इक्वली छिड़काव कर सकता है। ड्रोन छिड़काव का कार्य ऊपर से ही करता है, इसलिए अब आपको छिड़काव के लिए फसलों के बीच चलकर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पैरों के नीचे आने से फसल को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। ये ड्रोन साइज में बहुत बड़ा है। उसका रिमोट कंट्रोल भी काफी स्ट्रांग है, जो एक साथ कई ड्रोन को हैंडल कर सकता है। इसकी रेंज 3 किलोमीटर तक है। जैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत बच जाती होगी। नंबर तीन, ग्रीम इवो 290। आलू भारत में खाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध कृषि उत्पाद है। नेक्स्ट हो या सब्जी, आलू के बिना भारतीय खाना अधूरा है, इसलिए इसकी खेती भारत में बहुत की जाती है। लेकिन इसकी फसल काटने के लिए भारत में इतनी हाईटेक मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आलू जमीन में उगने वाली फसल है। यह मशीन जमीन में उगा लो इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह इतनी सफाई से मिट्टी हटाकर जमीन से आलू निकालती है कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। ये आलू को जमीन से निकालकर अपने टैंक में स्टोर कर लेते हैं, फिर बड़ी आसानी से आलू को इसके टैंक से दूसरे ट्रक में ट्रांसफर किया जा सकता है। नंबर चार, ऑटोमैक रेकोल्टा 8500। इस मशीन के साथ एक क्रॉपिंग सिस्टम भी अटैच होता है। ये मशीन फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्लॉक लिए ये सैलेड में काम आने वाली पत्ते वाली फसल को जमीन से उठाने के लिए प्रयोग की जाती है। हाथ से काम करने पर यह काम धीरे धीरे होता है और कई बार ज्यादा मिट्टी लगने की वजह से फसल खराब भी हो जाती है, जबकि इस मशीन के नीचे कांटेदार जाली लगी होती है जो तैयार फसल को सावधानी से जमीन से उठाती है और इसके स्लोपिंग एरिया पर मिट्टी को जाड़ते हुए फसल इसके कंटेनर में स्टोर हो जाती है। साइज छोटा होने के कारण यह मशीन ज्यादा जगह भी नहीं लेती और ज्यादा पावर या फ्यूल भी कंज्यूम नहीं करती। नंबर पांच, सोनारेर एप्पल हार्वेस्टर। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये मशीन एप्पल को उठाने के लिए या पेड़ों से गिरे हुए फसल को उठाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये पहले तो आगे लगे हुए लगातार घूमते पार्ट से एप्पल दूसरे फलों को साइड कर देती है और फिर साइड में लगे हुए पार्ट से भी सभी फलों को उठाकर अपने कंटेनर में रख लेती है। फलों को उठाने का ये कार्य अगर हाथ से किया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्य कितनी देरी से होगा और फलों के वजन से किसान को कितनी परेशानी होगी। साथ ही दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम होने के कारण इसके कंटेनर से दूसरे ट्रक में फलों को ट्रांसफर करना भी बहुत आसान है। इस तरह ग्रेप, कैरेट, पंपकिन वगैरह सभी फलों और सब्जियों के लिए अलग अलग हॉटशिंग मशीन उपलब्ध है। नंबर छह, ऑक्सबो 4334। ये मशीन बड़े बड़े घास के मैदानों से घास साफ करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें आगे की तरफ तीन बड़ी ब्लेड लगे होते हैं जिसकी चौड़ाई कुल 39 फीट होती है। इसकी चौड़ाई होने के कारण ये मशीन कुछ ही मिनटों में कई एकड़ जमीन को साफ कर सकती है। ये घास को काटते हुए उसे साइड में इकट्ठा करती रहती है, जिसे उसे बाद में उठाना आसान हो जाता है। इसके ब्लेड अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए काम खत्म होने के बाद इसे आसानी से फोल्ड करके एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। नंबर सात, रूट एल वर्गो। क्या हम जानते हैं कि पौधे से पके हुए फल को तोड़ना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि बात दो या चार फलों की नहीं बल्कि पूरे खेत की फसल की हो रही है। इस काम को आसान बनाने के लिए एक रोबोटिक मशीन रूट आइवर मौजूद है, जिसमें सेंसर है, कैमरा है
और लाइट भी है, जिसका काम बिल्कुल इंसानों की तरह ही रात दिन केवल पके हुए फलों को चुनकर तोड़ना होता है। ना तो फल चिपकता है और ना ही पक कर नीचे गिर कर दबता है। ये रोबोटिक मशीन सीधा पके हुए फलों को तोड़कर अपने कंटेनर में डाल देती है। नंबर 8, मॉडेलो A500IS। ये एक वाटर पंप है जिसका प्रयोग नहरों से खेतों में पानी देने के लिए किया जाता है। इसे ट्रैक्टर से अटैच किया जाता है। इसके पाइप का डायमीटर लगभग 1 फीट है। इतनी चौड़ाई होने के कारण ये केवल कुछ ही मिनटों में काफी सारा पानी खेतों में पहुंचा देता है। इन मशीनों की सहायता से ही आसानी से खेतों के आसपास के नहरों का पानी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 9, वेनेरोनी मोबाइल पंप। आपने नहरों से पानी खींचते हुए अनेकों मशीनों को देखा होगा, लेकिन अगर खेत के बीचों बीच पानी देना हो तो वेनेरोनी मोबाइल पंप इसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। इटली के एक पंप कंपनी द्वारा बनाया गया कि मोबाइल पंप ट्रैक्टर से जोड़कर खेत के किसी भी हिस्से में सिंचाई के लिए पानी पहुंचा सकता है। नंबर 10, प्लास्टिक मंचिंग। इस मशीन का मुख्य काम मिट्टी पर प्लास्टिक कवर चढ़ाना और उनके बीच में होल करके बीजों को डालना है। बीजों को बोने के बाद लंबे समय तक उनमें नमी बनाए रखने के लिए उन पर प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है। इससे पानी की बचत होती है और फसल को उनके अनुकूल वातावरण मिलता है। आपने देखा, यह मशीन इन बीजों को बोती है और उन पर कवर चढ़ाने का काम एक साथ आसानी से कर देती है। नंबर 11, डीच क्लीनर। डीच क्लीनर खेतों के बीचों बीच बहने वाली नहरों को साफ करती है। इन नहरों के आसपास मिट्टी, खरपतवार और घास वगैरह इकट्ठी हो जाती है, जिसे समय समय पर साफ करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इन्हें समय समय पर साफ न किया जाए तो इनमें मिट्टी इकट्ठी होती रहेगी, जिससे नहर की गहराई कम होगी और सिंचाई के लिए पानी कम मिलेगा। बहते पानी से साफ करने के लिए मशीनों में बड़ी बड़ी जालीदार बकेट्स लगी होती है, जो कचरे को पानी से निकाल कर साइड में रख देती है। इनमें ड्रीजिंग पंप भी लगे होते हैं, जो नहर के अंदर की गीली मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं। नंबर 12, स्ट्रो मास्टर। इस मशीन में 42 फीट चौड़ा एक पैनल लगा होता है, जिसमें 2 फीट लंबे नुकीले कांटे लगे होते हैं। इस मशीन का प्रयोग बड़े बड़े खेतों को साफ करने के लिए किया जाता है। फसल कटाई के बाद इन मशीनों को खेतों में घुमाया जाता है, जिसे सारा कचरा और सूखी घास इन कांटों में उलझ कर इस मशीन में इकट्ठा हो जाती है और कांटे के कारण खेतों की खुदाई भी हो जाती है। नंबर 13, फ्लैम वीडिंग। फसल काटने के बाद खेत की अच्छे से सफाई करने के बाद नई फसल बोने से पहले पुरानी फसल के अवशेष और अपने आप उगे घास फूस को जड़ से खत्म करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन में पीछे छोड़ा पैनल लगा होता है, जिससे आग निकलती है। इसे सारे खेत में घुमाया जाता है। आग की इस गर्मी से सारा कचरा जड़ से नष्ट हो जाता है। ऐसा करने से जमीन में मौजूद सभी न्यूट्रिएंट्स केवल फसल को मिलते हैं, अन्य पौधों को नहीं। तो आपने देखा दोस्तों, विदेशों में कैसी कैसी एक से बढ़कर एक मशीनें मौजूद हैं, जिनके कामों के लिए हमारे यहाँ लाखों मजदूर दिन रात लगे रहते हैं। वही काम विदेशों में मिनटों में बड़ी आसानी से हो जाते हैं। भारत में भी अगर ऐसी मशीनें आ जाए तो ये किसानों के उज्जवल भविष्य का रास्ता खोल देंगे, तो शायद यंग जनरेशन भी एग्रीकल्चरल फील्ड में जाना चाहे। दोस्तों, आपको इन सभी मशीनों में से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूले। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।